हेलो फ्रेंड्स, आज हम एयर फ्राई काउपीज बड़ा बनाएंगे। काउपीज को हिंदी में लोबिया भी कहते हैं। इसके लिए हमने एक कप लोबिया ली है, जिसको हमने अच्छी तरह पानी में धोकर सिर्फ एक से डेढ़ घंटा भिगोना है। बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको छलनी में रखेंगे इस तरह 5 से 7 मिनट, ताकि इसका पानी अच्छी तरह झड़ जाए। और फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको स्मॉल बैचेस में पीसना है, थोड़ा थोड़ा लेकर। अदरक और हरी या लाल में जो भी अवेलेबल हो फ्रेश में, वो डाल के पीस लीजिए। बिल्कुल बिना पानी के पीसा है हमने। देखिए, हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल कोर्स टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर नहीं है। इसी तरह हम अपने सारी लोबिया की दाल पीस लेंगे। इधर हमने जीरा लिया और सौंफ लिया, इसको हल्का सा हमने पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया था 1 से 2 मिनट। और अब इसको हम कूटकर सारे दाल के पेस्ट में डाल देंगे। ये फ्रेश हरा धनिया, जिसको फाइनली चॉप करके हम डाल रहे हैं। ये हरा लहसुन जो होता है फ्रेश, उसका हरा पार्ट है, उसको भी फाइनली चॉप करके डाला है फ्रेश लहसुन का। प्याज है फाइनली चॉप अराउंड 1/3 कप। नमक, नींबू का रस, हरी मिर्ची काट के डालेंगे बारीक, ये 3 से 4 है, आप और भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये लाल मसूर की दाल का पाउडर है, बस लाल मसूर की दाल को हमने मिक्सी ग्राइंडर में चर्न करा और पाउडर बन गया। इस तरह हम सारे डो को मिक्स करेंगे। आपका डो रेडी है। इसके बाद आप सीजनिंग चेक कर लीजिए, नमक, मिर्च और खट्टापन। ये 200 डिग्री पे हमने एयर फ्राई को सेट करा और टोटल 20 मिनट लगा रहे हैं हम। मीनवाइल अपने हम वड़ास बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए एक प्लेट को हम ग्रीस करेंगे कोई भी ऑयल से, और हमने हैंड्स को ग्रीस नहीं करा, जस्ट वॉश करके, वाइप करके हैंड्स को हम वड़ा को बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी फ्रेंड्स, आप स्मॉल भी बना सकते हैं, छोटी छोटी वड़ास भी बना सकते हैं। एक टाइम में आपके एयर फ्राई में जितने वड़ाज आए आप उतने बना लीजिए। मेरे एक टाइम में 4 से 5 वड़ाज आते हैं। देखिए, थोड़ा सा डो स्टिकी होता है, स्टिकी ही रहन दीजिए। और मसूर दाल पाउडर मत मिलाइए टाइट करने के लिए। ये मेरे वड़ाज रेडी है। मैंने बेस को ग्रीस कर लिया था हल्का सा। 1 by 1 आराम से प्लेस करिए, थोड़े डेलिकेट होते हैं वड़ाज। ये सारे मेरे 4 से 5 वड़ाज आ गए हैं। अब फाइनली में हम इनको ब्रशिंग करेंगे ऑयल से, बहुत हल्का हल्का ब्रश करना है। अब इसको हम वापस 200 डिग्री पे लगा देंगे। ये देखिए, और जो मैंने 10 मिनट प्रीहीट करा था, वापस 20 मिनट पे कर दिया है मैंने। ये 10 से 12 मिनट के बाद एक बार ये हम चेक करेंगे कि वड़ा सिके या नहीं सिके। देखिए, काफ़ी हद तक सिक गए हैं, सौगीपन, गीलापन काफ़ी कम हो गया है। अब हम सारे वड़ास को टर्न कर देंगे, एक बार फ्लिप कर देंगे, और फिर इसको दोबारा हम हल्का सा ब्रशिंग करेंगे। फ्रेंड, सेकेंड ब्रशिंग के बाद जब आप फ्रायर में लगाएंगे, तो आप थोड़ा सा बीच बीच में चेक कर दीजिए, ताकि ओवर ना हो जाए आपके। ये देखिए, अब आपके रेडी है वड़ास। 5 से 7 मिनट बचे हैं मेरे टोटल 20 मिनट में से। देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी हो रहे हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एयर फ्रायर में है, बिल्कुल ही फ्राइड वंस का ही लग रहा है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए।